मंकी डी ड्रैगन जो कि वन पीस यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको स्क्रीन टाइम सैंग से भी कम मिला है, बट स्टिल इसका फैन बेस बहुत बड़ा है। प्लस ये अवर बॉय मंकी डी लूफी का फादर है, तो ड्रैगन का बैडस होना तो बनता है। बट आपको क्या लगता है, मंकी डी ड्रैगन एक ड्रेविल फ्रूट यूजर है या फिर उसके पास गाप के जैसा हाकी है? और अगर ड्रेविल फ्रूट यूजर है तो क्या नाम है उस ड्रेविल फ्रूट का और क्या है उसकी पावर्स? तो वेलकम बैक एनिमे के दीवानों, आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में जहां हम बात करने वाले नन अदर देन मंकी डी ड्रैगन के बारे में। वन पीस यूनिवर्स में ऑलमोस्ट जितने भी पावरफुल कैरेक्टर हैं उनके पास ड्रेविल फ्रूट पावर है, और बहुत सारे फैंस बिलीव करते हैं ड्रैगन ने भी ड्रेविल फ्रूट कंज्यूम किया है, और मैं भी यही बिलीव करता हूँ। वेल, मैं भी एक फैन ही हूँ, सो या। बट यहाँ टन्स ऑफ मिस्ट्रीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुई। जब जब मंकी डी ड्रैगन ने एंट्री की है तब तब या तो लाइटनिंग हुई है या फिर बहुत बड़ा स्टॉर्म आया है। मतलब कि एनिमेशन में अगर आपको सुपर नेचुरल पावर को एक्सट्रीम नोट पर दिखाया जाए तो 90% चांसेस है कि ड्रैगन का ग्लैंस देखने को हमें मिल सकता है। जैसा कि हमने देखा था लूफी के एग्जीक्यूशन वाले टाइम, जब बगी ट्राई करता है लूफी को एग्जीक्यूट करने को, बट वहाँ एक लाइटनिंग होती है जिसकी वजह से लूफी एस्केप कर जाता है। और मांगा के चैप्टर 558 के पेज नंबर 12 में जब स्मोकर को यह पता चलता है कि ड्रैगन लूफी का फादर है, तब वो एक कमेंट पास करता है दैट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड एट लॉस्ट टाउन। अब हम फैंस के लिए इतना हिंट काफी है ये मानने के लिए कि ड्रैगन के पास डेविल फ्रूट है। कुछ फैंस का ये मानना है कि ये लूफी का लक था, बट समथिंग दिस इज डन बाय द ड्रैगन एंड ही इज मोर कंट्रोल ओवर वेदर। वेल, काफी सोचने के बाद मुझे ये लगता है कि ड्रैगन के पास अगर डेविल फ्रूट है तो वो इन तीन में से ही एक हो सकता है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे 31 डेज 31 थ्योरी वीडियोस का डे 1 है, तो उम्मीद करते हैं आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा होगा टू एंजॉय अवर अपकमिंग नेक्स्ट 30 वीडियोस। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल और एंजॉय करें इस जर्नी को हमारे साथ। हाँ, तो हम कहाँ थे? यप, हम डिस्कस करने वाले थे डेविल फ्रूट्स पावर को। नंबर 1, मिथिकल ज्वेन ह्यूमन फ्रूट। अगर ड्रैगन ने ये फ्रूट कंज्यूम किया होगा तो उसके पास पावर आ जाएगी वन पीस वर्ल्ड के सारे वेदर्स की जो भी स्काई से मैनिपुलेट होते हैं, जैसे कि विंड, रेन, लाइटनिंग। अब ड्रैगन इन एबिलिटीज को कितना यूज कर सकता है ये डिपेंड करता है उसके खुद के स्ट्रेंथ पर। सेकंड है लुगिया विंड विंड फ्रूट। सबसे स्ट्रांगेस्ट पॉसिबिलिटी इसी डेविल फ्रूट की लगती है मुझे, जो कि ड्रैगन के पास हो सकता है। ये एक लुगिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि अलाउ करता है यूजर को कि वो विंड को क्रिएट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है विंड फॉर्म में बाय देयर विल। लूफी का फ्लैशबैक इस बात को वेरीफाइड करता है जब ड्रैगन ने काउंटलेस लोगों को बचाया था ग्रेट टर्मिनल में लगी आग से, जहां पर उसने विंड पावर की हेल्प से एक पाथ क्रिएट किया था ताकि लोग वहां से एस्केप कर सकें। थर्ड वन इज पारामीशिया वेदर वेदर फ्रूट, जिसको कि आप एनिमेशन में आरा आरा नो मिया के नाम से सुनेंगे। आरा का मतलब वेदर होता है जैपनीज में। वेल, आपको नाम से समझ आ गया होगा कि ये डेविल फ्रूट पावर देगा यूजर को टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट ऑल द थिंग रिलेटेड टू वेदर। वेल, क्या सच है ये तो अभी तक किसी को नहीं पता सिवाय ओडा के। जैसा कि हम जानते हैं ओडा हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजों को लेकर आता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने एनिमे बडीज के साथ, साथ ही सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल और एंजॉय करें 31 डेज 31 चैलेंज वीडियो को। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू और इंटरेस्टिंग थ्योरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।